हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लेट एस, एस एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। अब ये जेड कहाँ से मिलेगा आपको? जो ये सर्कल है और ये जो लाइन है, इनके कॉमन रीजन से आपको जितनी भी जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसी सेट के अंदर आप लिखेंगे। इसके बाद आपसे कहा है कि जेड माइनस फोर आयोटा जो है अटेन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली एट जेड वन एंड जेड टू। ध्यान रखना ये Z1, Z2 जो दो एलिमेंट्स हैं वो इस S सेट के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उनमें से दो एलिमेंट्स ये हैं जिनकी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ और सॉल्व करके मॉड करूँ तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली मिलेंगे। तो हमें पहला काम क्या करना है कि इन दोनों को पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके हमें Z1 और Z2 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल का डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ आपको तो ये यहाँ पर वन ले लिया, ये टू है, ये थ्री है, यहाँ पर ये वन ये टू, ऐसे ये वन और टू। तो ये जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन ऐसे लिखी है मॉड जेड माइनस टू इज़ लेस देन इक्वल टू वन, इसमें इसको कहते हैं हम सेंटर और इसको कहते हैं हम रेडियस। तो ये जो सेंटर है ये रहा, ठीक हो गया, और ये है आपका रेडियस। तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनाना है कि उसका रेडियस वन हो सके, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। डायग्राम बहुत सही नहीं बना है लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो ये देखो ये रेडियस वन है, ये रेडियस वन है, ये रेडियस यहाँ पर वन है। अब इसमें आपको लिखा है कि मॉड जेड माइनस टू इज़ लेस देन इक्वल टू वन, इसका मतलब है, इस पूरे का मतलब है कि ये वाले रीजन की बात हो रही है यहाँ पर। ये पूरा बाउंड्री एज वेल एज इनसाइड, ये सारे के सारे पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं वो सारे के सारी वैल्यू जो है ये जेड है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास है जेड वन प्लस आयोटा प्लस जेड बार, ये है वन माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू टू। अब जेड की वैल्यू यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करता हूँ और ये वन प्लस आयोटा, z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई वन माइनस आयोटा इज़ लेस देन इक्वल टू टू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करें तो ये, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो इसको दोनों से, तो क्या मिलेगा x प्लस एक्स आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस वाई प्लस यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई और ये मिलेगा माइनस वाई। आप भी एक बार चेक कर लेंगे यही आंसर आपको मिल रहा हो। अब ये x नहीं, x तो नहीं कटेगा, x प्लस एक्स तो हो गया हमारे पास 2x, x आयोटा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस वाई हो गया माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे इसका भी ग्राफ बनाना है इसमें, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको अभी के लिए ऐसा लिख लेता हूँ। तो इसमें एक बार y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1,0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0,-1 आएगा। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ लाई करता है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ड्रॉ कर लो बिल्कुल सीधे, थोड़ा गलत भी हो सकता है, मैं इसका प्रॉपर डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपको पता है कि इसके लिए जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी, ये आपको पता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं इस चीज़ के। दोनों की जगह 0,0 पुट करो तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इस वाली तरफ, इस रीज़न के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो सर्कल और ये जो लाइन है इसका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये है। तो इस रीजन के अंदर जितने भी जेड हैं वो सारे के सारे इस एस सेट के अंदर लाई करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये लिखा है मॉड जेड माइनस फोर आयोटा, ध्यान रखें क्या लिखा है, मॉड, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मॉड जेड माइनस फोर आयोटा लिखा है। अब ध्यान रखना ये जेड कहाँ है, ये जेड है इन जगह पर, और ये फोर आयोटा कहाँ है, ये इसी लाइन पर ऊपर कहीं पर होगा, तो 1, 2, 3 और 4 मान लेते यहाँ पर है अभी के लिए, ठीक है, 0,4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है 4 आयोटा और z कहाँ है, इस रीजन के अंदर है। तो इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं बाउंड्री के साथ साथ ये लाइन के साथ हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं
इनमें से वो पॉइंट जो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और वो पॉइंट जो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पे है, पहले वो पॉइंट आप ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेंटर तक ड्रॉ कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने सेंटर तक ड्रॉ, यहाँ से इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, यहाँ ये पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट है, ये बहुत सारे मिल गए। अब आपको क्या करना है, एक बार ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, एक बार आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, एक बार आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसका मैंने एक प्रॉपर डायग्राम यहाँ पर अलग से बना रखा है, ये मैंने पहले से बना रखा है ठीक से। अब सारे के सारे z तो यहीं पर लाई करते हैं, तो यहीं से मुझे z1 और यहीं से मुझे z2 फाइंड करना है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, आपको ये पता है कि यहाँ से मैंने सेंटर तक जो लाइन ड्रॉ की है, ये एक लाइन इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊँ तो उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और आपको पता है किसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम यहाँ पर Z1 बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, इसमें ये वाला पॉइंट हो गया Z1। तो सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, आसान है वाला पॉइंट ढूंढना, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये वाला पॉइंट भी हमें ढूंढना है, ये वाला पॉइंट भी ढूंढना है, ये वाला पॉइंट ढूंढकर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट ढूंढकर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखा जाए, तो ये वाला इसका नाम अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ पी, इसका नाम क्यू डाल देता हूँ, इसका नाम ए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए पी डिस्टेंस निकाल लें, आप खुद निकाल के देखें, इसके कोऑर्डिनेट है 0.4, इसके कोऑर्डिनेट है 1.0, तो सॉल्व करेंगे तो ये √17 आएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, इसके तो चलो डायरेक्टली पता थे। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने हैं, तो सर्कल की इक्वेशन जो लाइन है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ज़रा एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर भी डायग्राम बना रखा है, ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन में x - y = 1 ले लेता हूँ, और सर्कल की इक्वेशन ये थी = 1 करके अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहां से आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + y² = कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, तो ये 1 + y होगा, और यहां पर अगर मैं पुट कर दूं, तो ये y - 1 का होल स्क्वायर + y² = 1, ये समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां से अगर सॉल्व करना है, इसको अगर एक बार सॉल्व करेंगे, तो आपको यहां पर जो y की वैल्यू है वो 1 मिलेगी। आप चेक करके देखें, y = 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो फाइनली आपको y की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये y की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो मुझे x की वैल्यू 2 मिल जाती है। तो फाइनली हमें ये पता लग गया कि जो q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, 2.1। ये समझ में आ गया होगा। तो वैसे भी डायग्राम बना ही रखा था, फिर भी 2.1 हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया। अब अगर मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूँ, कौन सा डिस्टेंस, AQ, आप देख सकते हो ए की डिस्टेंस सॉल्व करोगे 0 - 2 का होल स्क्वायर + 4 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये √13 आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो गया। अब ये वाला पॉइंट भी हमें निकालना है, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखें, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन और ये जो लाइन आपको दिख रही है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पर उसके पहले आपको ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैं ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा ये लाइन की इक्वेशन, देखो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2.0 से और यहाँ 0.4 से। तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालें, तो ये कुछ ऐसे मिलेगी आपको, ये देखे ज़रा। तो मैंने ये सॉल्व किया इसको, तो y - 4 = -2x और y = 4 - 2x। तो ये हमें किस लाइन की इक्वेशन मिल गई, हमें इसको ओ ले लेते हैं, तो ए ओ लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ए ओ लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हमें ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसको सर्कल के साथ सॉल्व करके ये जेड वन निकालेंगे हम। सर्कल की इक्वेशन इससे पता चलेगी है mod z - 2, जिसको हम बोलेंगे x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 1। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करता हूँ, तो देखिए कितना आएगा। तो ये तो x - 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये बचेगा 4 - 2x का होल स्क्वायर = 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये आएगा x² + 4 - 4x, ये आएगा 16
प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 1। सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5x स्क्वायर माइनस 20x माइ प्लस 19 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस माइनस ये हो गया 400 माइनस 380 ओवर 2 इंटू 5। आप भी सॉल्व करके देखें, ऐसा आएगा तो x इक्वल टू 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 20 ओवर 10। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास रूट 5 ओवर ये 5 आएगा, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 ओवर रूट 5। अब आपको यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 प्लस 1 ओवर रूट 5 जो है, क्योंकि दो वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि इसको अगर मैं आगे ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर रूट 5, तो हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइनली मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो उसके लिए ये जो वैल्यू है ना लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा y इक्वल टू 4 माइनस 2 2 माइनस 1 ओवर रूट 5। तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 4 ओवर रूट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर 2 ओवर रूट 5। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो z1 है इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो मैं z1 के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखकर दिखाऊं यहाँ पर, तो z1 के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं जिसको कि हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू यहाँ पर है 2 माइनस 1 ओवर रूट 5 2 माइनस 1 ओवर रूट 5 प्लस आयोटा, और y की वैल्यू है 2 ओवर रूट 5 y की वैल्यू है 2 ओवर रूट 5। तो इस तरीके से हमें z1 के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, और z2 जो कि इससे सबसे ज़्यादा दूरी पर है, इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 प्लस 0 आयोटा, जिसको 1 कहेंगे। तो अब आपको क्या कहा है, आप देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, एक बार ये देख लें। आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि आपको मॉड z1 स्क्वायर निकालना है, मॉड z2 स्क्वायर निकालना है, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, मॉड z1 स्क्वायर निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 माइनस 1 ओवर रूट 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 ओवर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। ये क्लियर है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना आता है देखते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं ना, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, वो बेहतर रहेगा हमारे पास। 2 माइनस रूट 5 ओवर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 ओवर 25 माइनस कितना हो जाएगा 4 ओवर 5 रूट 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 4 ओवर 5, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 ओवर 5 आ गया। सॉल्व करेंगे 21 ओवर 5 होगा, 21 ओवर 5 को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो 25 बाय 5 आ जाएगा, जिससे मुझे 5 मिलेगा। आप भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो ये z1 स्क्वायर आ गया। ऐसे ही मॉड z2 स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर निकालना है आपने, है ना। यहाँ लिखा है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, जो दो ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, इनको अगर ऐड करूँ तो आप देखें कितना आ रहा है, ये शायद आ रहा है 6 माइनस 4 ओवर 5 रूट 5। आप भी चेक कर लेंगे, यही आंसर आ रहा है। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये आ गया हमारे पास 30, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 4 रूट 5। ये जो आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 5 के बराबर है। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो पता लगता है कि अल्फ़ा जो है वो 30 हो गया और बीटा हमारे पास माइनस 4 है। और फाइनली आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए कहा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।